सर मेरी 4 बजे मीटिंग है इस पिंडी में, ठीक है। नाम आप सबको याद हो गए होंगे तो मैं दोहराऊंगा नहीं, और अगर किसी को याद नहीं है तो विल प्रोवाइड यू लिस्ट आफ्टर। तो सर बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू आज हुई, हमारे दरमियान मौजूद हैं पाकिस्तान के लीडर्स, बिजनेस लीडर्स। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे भी सदारत की, FPCCI पे भी सदारत की, लाहौर चैम्बर की सदारत की, और खुशकिस्मती ये है कि हमारे भाई हैं जो आज हमने दो एक मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे। और इससे प्रूफ क्या हो रहा है, प्रूफ तो ये हो रहा है कि हम बिजनेसमैन जो हैं हम अपने आप को शायद थोड़ा सा कम समझते हैं कि जो सियासतदान है ही विल डिसाइड आवर फेट। नो, वी विल डिसाइड द फेट, वी बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान विल डिसाइड द फेट। किसी ने यहां बात की कि हमारी बात सुनी नहीं जाती है वहां में, तो ये तो पॉसिबल नहीं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम वेरी ब्लंट ऑन दिस। मेरा मसला है, मैं हल करूंगा, आई नो द राइट वे। हाँ, एक आईने पाकिस्तान है, कानून है, लॉ है, लॉ के अंदर रहते रहते हैं। आई थिंक वी शुड ऑल मेक अप कि हम लॉबी किसी और से ना गेम करें। जब हमारे पास यूपी जी मौजूद है, हमें क्या जरूरत है किसी और। मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया फेडरेशन के वाला साहब वाइस प्रेसिडेंट बने मुनीर साहब की सदारत में, तो मुनीर भाई जान हमने अक्सर सारे वालिद का दर्जा उनको देते हैं, हम भाई जान का दर्जा देते क्योंकि वो दोस्त वालिद सब साथ थे। और जिस तरह का इलेक्शन उन्होंने अपनी जिंदगी में हमें लड़वाया, आई थिंक उसके बाद बड़ा मुश्किल रहा हम सबके, लेकिन आई थिंक वी शुड गेट बैक ऑन द करेज। उनके बेटे हमारे साथ हैं, उनकी फैमिली का जज्बा हमारे साथ है, और जो फैमिली को पीछे छोड़ गए हैं, मेरा ख्याल है हमें हक अदा करना चाहिए। वी शुड यूनाइट टुगेदर। शहजाद भाई अब हमारी सदारत करेंगे और वी शुड यूनाइट टुगेदर। इस्लामाबाद चैम्बर तो आपके साथ पेश पेश है, जन्म जन्म का रिश्ता हमने आपसे जोड़ लिया है। टाइम ज्यादा हो चुका है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें मैं आई वुड लाइक टू एम्फसाइज द मीर भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट। सर द प्रॉब्लम इज आवर कंफर्ट जोन। हम यूज टू हो गए अपने सोफे पे बैठना, वी आर इन द कंफर्ट जोन। हम कहते हैं कोई और कर देगा, नहीं, इट्स टाइम दैट वी हैव टू डू इट आवरसेल्व्स। अब तो मसाइल भी डिफरेंट हो गए हैं, इट्स नॉट ये मसाइल उनके अपनी जगह रहे, हमारे अपनी जगह है। हमें अपने कारोबार बढ़ाने, हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं लेकिन प्रोडक्ट कितने हैं हमारे पास एक्सपोर्ट बढ़ाने से, किसी ने ये बात नहीं सोची। हम क्या बढ़ा लेंगे, हमारी अपनी खपत भी तो बढ़ गई पिछले 9 सालों में 10 सालों में। जो कॉटन हम एक्सपोर्ट करते थे आज वही यूज करना शुरू हो गए, जो शुगर हम एक्सपोर्ट करने के प्लान में थे वो खुद ही यूज करना शुरू हो गए। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ थिंकिंग द अदर साइड ऑफ द पिक्चर वी शुड मेक आवर ओन पिक्चर नाउ। हमारे पास 3 टैंक्स मौजूद हैं। मंजूर साहब को आई वाज टेलिंग हिम टुडे कि मैं आपको बड़ा फॉलो करता हूं फेसबुक पे, बिकॉज़ हिज ओल्ड स्पीचेस आर आल्सो यू नो स्टिल अलाइव टुडे। वो 3 साल पुरानी स्पीच भी आज सुन के मैं कहता हूं यार ये तो वही बात कर रहे हैं जो हम पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स टाइम आपकी लीडरशिप के अंदर हम सब यूनाइट हों, इस पे काम करें। हम ट्रेड डिप्लोमेसी पे बात करें, ट्रेड डिप्लोमेसी की भी बात यहाँ हुई तो मेरे प्रेसिडेंट की सदारत में हम फॉरेन अफेयर्स ऑफिस पहुंचे, तो हमारे सबसे पहला सवाल उनसे ये था कि व्हाट आर योर ट्रेड कंसर्न्स, व्हाट इज द आउटकम। एंड देयर आर नो क्वेश्चन, इंस्टेड उन्होंने हमसे सवाल किया यार आप हमें कोई लेटर दे, हम उनसे चीजें मंगा लेते। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ पहुंच के लेटर ड्राफ्ट किया, यार ये लेटर है तुम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमें बताओ, विल कनेक्ट। तो दैट इज द थिंग वी नीड इन आवर, हमें अपने पॉलिटिकल स्टेटसेस में चाहिए। जिस तरह जमीर भाई ने हमारी जिस तरह मेरा ख्याल है इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने में मदद की है, शायद जो 30 साल की मेहनत थी वो अलग थी, और जो 1 महीने का राउंड था आपके साथ इट वाज कमेंडेबल। एंड फाइनली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऐसे होगी जब मैं आप पॉलिटिकल माइंड्स हम सब एक दूसरे को वो चीज समझाएं जो डूएबल हो, जो अचीवेबल हो, और सिंगुलर ना हो सर, वो सबके लिए हो, वो मेरे फायदे के लिए हो, वो पाकिस्तान के फायदे के लिए हो। आपके और खाने के दरमियान में वो वाइज मुकर जिसने आपको तंग किया हुआ, लेकिन आई थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ द इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आप सब आए, आपने इस
मौके को सजाया, हमने ट्रेड पर बातें की, बहुत सी चीजें मैंने सीखी, बहुत सी चीजें आपने सीखी. तो लेट्स मेक पाकिस्तान अ बेटर नेशन. और सर लेट्स फोकस ऑन वन स्टैंडर्ड वन पाकिस्तान, नॉट टू स्टैंडर्ड्स वन पाकिस्तान, वन स्टैंडर्ड एंड वन पाकिस्तान. थैंक यू वेरी मच.